अब साइक्लिक ऑर्डिनेटल क्या होता है, जिसके चारों वर्टाइसेस जो है सर्कल पर होते हैं ना, उसे साइक्लिक कहते हैं। और ये एंगल्स का सम कितना आएगा, 180 आएगा। ठीक है, और एक और प्रॉपर्टी होती है ए बी इंटू सी डी प्लस बी सी मल्टीप्लाइड बाई ए डी इज इक्वल टू ए सी इंटू बी डी। ठीक है, ये एक और प्रॉपर्टी, इसको बोलते हैं टॉलमीज़ थ्योरम। लिखो टॉलमीज़ थ्योरम। ठीक है, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ऑपोजिट साइड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, अभी लिखो अगला ट्रिक, डिस्टेंस फॉर्मूला। अपन स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना। पॉइंट एक्स1 वाई1, पॉइंट एक्स2 वाई2। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक कितना है, वाई टू माइनस वाई वन। ठीक है, ऐसा है तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस कैसे आ जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से आ जाएगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन और वर्टिकल ट्रांसलेशन में ये एंगल क्या आएगा, 90 आएगा। तो लिख लो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन का स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन का स्क्वायर। हाँ भाई, 0 0 और एक्स वाई के बीच का डिस्टेंस कितना आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट है माइनस 1 0 और 4 3। देखना डिस्टेंस कितना आ रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच का, अभी कितना आ रहा है, 0 0 और माइनस 12 5, इनका कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। 12 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 13 आ जाएगा। आगे लिखो सेक्शन फॉर्मूला। पॉइंट है x1 y1, ये पॉइंट है xy, ये पॉइंट है x2 y2, ये m इस टू n है, ये रेशियो दिस अपॉन दिस, इसको मान लेते हैं अपन c पॉइंट मान लेते हैं। ठीक, तो फंडा क्या है, a और b को स्ट्रेट लाइन से जोड़ा अपन ने और अपने को दे रखा है ये डिस्टेंस ac अपॉन bc, ये डिस्टेंस डिवाइड बाई ये डिस्टेंस का रेशियो m अपॉन n। ठीक है, तो इससे अपन डिटरमाइन करेंगे पॉइंट सी का कोऑर्डिनेट क्या आएगा ना। तो आता ये mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n और my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। एक बार डिराइव कर लो इसको। अब ये अपन ने परपेंडिकुलर डाला, 90 आएगा। ये डिस्टेंस कितना आएगा, x माइनस एक्स वन। ठीक है, और ये वाला डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक ये आ जाएगा x2 माइनस एक्स। ठीक है, ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल सिमिलर आएगा क्योंकि 90 है, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या आएगा, सेम, डबल ए सिमिलैरिटी। तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू कितना होगा, दिस अपॉन दिस। ठीक है, यानी कि ए सी अपॉन बी सी इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स, है ना। ये कितना है, एम बाई एक्स, घेर लोगे यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करके एक्स निकाल लेना। ठीक है, आ जाएगा। सिमिलरली वाई, है ना, इसी तरह से ये कितना आएगा आपका, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, है ना। तो कितना आएगा y माइनस वाई अपॉन वाई टू माइनस वाई। ठीक, इसको बोलते हैं इंटरनल डिवीजन। इंटरनल डिवीजन मतलब ये जो पॉइंट है ये आपका ए और बी के अंदर की तरफ आ रहा है ना, ए और बी के बीच में आ रहा है। एक्सटर्नल के लिए जैसे पॉइंट ए है, ये बी है, सी पॉइंट कहाँ है, बाहर की तरफ। सी पॉइंट कहाँ है, बाहर की तरफ है ना, पर होता फंडा यही है ए सी अपॉन बी सी। मान लो एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन में, थोड़ा फील करो ए सी अपॉन बी सी अगर 2 है या 2/1, तो ए सी कितना हो गया डबल ऑफ बी सी। ए सी कितना हो गया डबल ऑफ बी सी, ये लेंथ इसका डबल है, इसका मतलब बी पॉइंट क्या हो जाएगा मिड पॉइंट। तभी तो ए सी क्या होगा, तभी तो ए सी क्या होगा ट्वाइस ऑफ बी सी आ पाएगा। ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। ठीक है, जब आपका पॉइंट सी कहाँ पर हो, लाइन सेगमेंट ए बी पर ना हो। अगर ऐसा लिखा है मान लो ए सी अपॉन बी सी मान लो हाफ है, तो क्या होगा बी सी कितना हो जाएगा डबल। तब पॉइंट कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, कहाँ पर आएगा, यहाँ पर। तभी तो आपका बी सी जो है वो ए सी का क्या होगा डबल होगा। ठीक है, तो रेशियो पे डिपेंड करता है किस तरफ आएगा। पॉइंट सी या तो बी के दाईं तरफ आ सकता है या पॉइंट सी ए के बाईं तरफ आ सकता है, लेफ्ट साइड आ सकता है। बनाओ यहाँ तक। हाँ भाई प्रूफ करो, अगर पॉइंट से एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है एम इज टू एन के अंदर, ए सी अपॉन बी सी एम इज टू एन रखा है, तो आपको प्रूफ करना है पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट आएंगे एम एक्स टू माइनस एन एक्स वन अपॉन एम माइनस एन और एम वाई टू माइनस एन वाई वन अपॉन एम माइनस एन। हाँ भाई, इसमें क्या करना होगा, ये वाला लेंथ है ना, ये कितना है आपका एक्स टू माइनस एक्स वन। ठीक, ये और यहाँ से यहाँ तक है ना, ये लेंथ कितना है आपका एक्स माइनस एक्स वन। ठीक, तो आप छोटा अपॉन बड़ा देख लो। देखना क्या है वैसे अपने को, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी। अच्छा, तो ए सी देख रखा है, बी सी ये वाली चीज़ जो है वो कितनी आएगी आपकी यहाँ से यहाँ तक x माइनस एक्स टू। सही है, तो ए सी अपॉन बी सी एक्स माइनस एक्स टू कितना एम बाई एन है ना, कर लोगे है ना। और सिमिलरली y माइनस वाई वन अपॉन वाई माइनस वाई टू, यहाँ से y निकाल लेना आ गया। हाँ, मिड पॉइंट का देख लो फॉर्मूला। मिड पॉइंट का फॉर्मूला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू बाई टू, वाई वन प्लस वाई टू बाई टू। ठीक है, एक ट्राइसेक्ट होता है, पॉइंट ए बी है, इसके 3 टुकड़े हैं ना, तो 3 टुकड़े करने के लिए कितने पॉइंट लेने होंगे, 2। 3 टुकड़े करने के लिए 2 पॉइंट, और ये लेंथ और ये लेंथ और ये लेंथ क्या बराबर। तो ट्राइसेक्ट मतलब सी और डी क्या कर रहे हैं, ए और बी को ट्राइसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा आपका, ये आपका रेशियो 1 है और ये रेशियो आपका 2 है। ठीक है, 1:2। तो जैसे मान लो पॉइंट है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू, निकालो सी और डी के कोऑर्डिनेट। कितना आएगा इस पॉइंट का, 1 into दिस 2 into x1 अपॉन 3 है ना, तो ये आएगा x2 प्लस ट्वाइस x1 अपॉन 3। y1 तो सिमिलरली निकाल लोगे, और ये कितना आ जाएगा आपका मिड पॉइंट आ जाएगा, या फिर ये 2:1। ठीक है, तो क्या करना होता है 2 into दिस 1 into दिस करना होता है, तो ये कितना आएगा 2x2 प्लस x1 है ना अपॉन 3 कॉमा दिस। ठीक है, ये आएगा। गॉट इट, कर लोगे आप। थोड़ा ध्यान से देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दिख रहा है आपको, x1 x2 दिस x2 AP लिखा हुआ है, ये 1 2 3 4 ये चार टर्म लिखे हुए हैं AP के। कॉमन डिफरेंस देखो, x1 में क्या जोड़ा कि ये आ गया x2 माइनस x1 बाई 3। देखो ध्यान से, x1 में ये जोड़ा है, दिखा तो दिखा भेड़ियों, दिख गया ना, हाँ। और x1 प्लस ट्वाइस ऑफ x2 माइनस x1 बाई 3, a प्लस डी, a प्लस 2d और a प्लस क्या लिखा है 3d लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो जब डिस्टेंस बराबर होते हैं ना, डिस्टेंस बराबर होते हैं तो जो x कोऑर्डिनेट होता है ना, तो किसमें होता है x कोऑर्डिनेट आपका, अगर डिस्टेंसेस बराबर होते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में। एक रेखा है उस पर कई सारे पॉइंट जो हैं, ठीक है ना। तो अगर ये दूरियां बराबर हैं तो इन पॉइंट्स का जो x कोऑर्डिनेट होगा और y कोऑर्डिनेट होगा वो किसमें आएगा, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में आएगा। ओके, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। लिख लो एब्सिसा इन ए पी, ऑर्डिनेट्स इन ए पी। एब्सिसा होता है x कोऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट होता है y कोऑर्डिनेट। एब्सिसाज इन ए पी, ऑर्डिनेट्स इन ए पी। आगे लिखो हार्मोनिक कॉन्जुगेट। पहले सेंट्रोइड लिख लो, सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट। अब इस सेंट्रोइड ट्राइंगल का जो सेंट्रोइड है ए बी सी, ए के कोऑर्डिनेट x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट x2 y2, सी के कोऑर्डिनेट x3 y3, ये आपका D है, ये आपका G है, कितना आएगा 2:1। तो D पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे x2 प्लस x3 बाई 2, y2 प्लस y3 बाई 2। अब 2 को इससे मल्टीप्लाई करो, 1 को उधर मल्टीप्लाई करो, है ना। ऑपोजिट साइड करना होता है, 2 इंटू दिस 1 इंटू दिस अपॉन कितना आएगा 2 प्लस 1, ठीक है ना। जब भी कोई कन्फ्यूजन हो ऐसे कर लिया करो, A D और G पॉइंट है बीच में और ये क्या है 2:1, इस तरह से। तो 2 मल्टीप्लाइड बाई जी का कोऑर्डिनेट, 1 मल्टीप्लाइड बाई ए का कोऑर्डिनेट और डिवाइडेड बाई कितना आएगा 2 प्लस 1, है ना। m+n आता है ना फॉर्मूले में। निकालो जी के कोऑर्डिनेट कितने आ रहे हैं। हाँ भाई, तो कितना आ जाएगा जी का कोऑर्डिनेट 2 इंटू ये करोगे ना तो कितना आएगा x2 प्लस x3 प्लस आएगा x1 डिवाइडेड बाई 3, है ना। तो सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट आते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइडेड बाई 3 एंड सिमिलरली y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, ठीक है।